दोस्तों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ब्रज फ्यूचर पॉइंट चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए मेरे इस चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आई कैल बेन को प्रेस करें। दोस्तों आपका ऐसा करने से एक तो आपको वीडियो स्वयं अपने आप आपको मिलेगी और आपके अवश्य कहता है कि इस वीडियो से आपके मित्र एवं दोस्तों की भी हेल्प हो। वीडियो कैसे लगी इन बॉक्स में लिखें और वीडियो के बारे में जो भी आपको विचार देना है, सुझाव देना है, मेरे पर्सनल इन बॉक्स में लिखें, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर डालें और मुझे बताएं। जो अपने जीवन माँ के बारे में जानना चाहता है, दिशा के बारे में जानना चाहता है, कंसल्टेंसी करना चाहता है या अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहता है या अपना नाम की मिस्टेक को ठीक करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और कंसल्टेंसी ले सकता है। मैं 5 तरीके से कुंडलियों देख के बताता हूँ और मेरा चार्ज मात्र 1100 रुपये है। यदि आप मेरी क्लास में एंट्री करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तब भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा थीम है बताने का, जो आइडिया जो मैं आपको आज बताने के लिए बताने जा रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है। वो हम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जीवन में बहुत परेशान हैं। हर व्यक्ति एक परेशानी से ग्रस्त है और उसको उस परेशानी का कोई हल नहीं मिल रहा। परेशानी क्या है पहले उसे समझे, फिर परेशानी कैसे हल हो सकती है उसे समझे, फिर जो तरीका है उसको अपनाए तो उसकी समस्या हल हो जाएगी। हम कहते हैं भगवान करेगा। भगवान एक हमारा विश्वास है, करना तो हमें ही पड़ता है। भगवान हमें बुद्धि सद्बुद्धि देता है कि आपको कैसे कार्य करना है। ज्योतिष को समझें, ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता बल्कि कर्म पथ बताता है। कर्म कौन सा कर्म पे चलना है वो बताता है। सही कर्म से भाग्य भी बताया जा सकता है, इसे इसमें भी कोई संदेह नहीं। एक परामर्श आपका जीवन सुधार सकता है, आपको सही दिशा दे सकता है और सही ज्ञान प्राप्त करने के बाद आदमी अपनी ऊंचाइयों को पहुंच सकता है। आज मेरी वीडियो का थीम यही है, इसके ऊपर मैं आपको आज चर्चा करूंगा। फिर दोस्तों मैं कहूंगा कि आपके स्नेह और प्रेम को देखते हुए मेरा मन गदगद होता है और मैं प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो डाल के आपको प्रोत्साहित करता हूं। अब मैं समझता हूं कि हमने न्यूमरोलॉजी पे काफ़ी चर्चा या रिसर्च या वीडियो डाल चुकी हैं, अब हम थोड़ा सा वैदिक पे काम करेंगे। हमारा वैदिक की क्लासें भी चलती हैं और यदि आपका कोई और सुझाव हो तो हम उस पर भी काम करेंगे। उपाय करने से क्या मिलता है, उपाय ना करने से क्या नुकसान होता है, सारा विषय सोच का और समझ का है। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे उपायों के जिससे आप अपने लक को बढ़ा सकते हैं, आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं। भाग्य भी तभी साथ देता है जब आप में कुछ करने की हिम्मत होती है, करने का मादा होता है। जैसे किसी व्यक्ति की एक ही पैर है और हम उसे कहें मैराथन में कि दौड़ में हिस्सा लोगे और जीतोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को दो टांगे हैं और वो मैराथन के में हिस्सा लेके वो उस दौड़ में सफल हो सकता है और उसकी सफलता होने में जो परेशानियां आ रही हैं उनको वो ठीक करे तो शायद वो जीवन में सफल हो जाए। लेकिन हमारा शास्त्र गवाह है, जिन्होंने हिमालय को ऊपर चोटी प्रथम बार पहुंचे थे उस महिला ने जीता था, उसके पैर नहीं थे दोस्तों। उसके एक्सीडेंट में दोनों पैर खत्म हो गए थे लेकिन उसने निर्णय कर लिया था। हमारा एक निर्णय हमारी उस मंजिल को तक पहुंचा देता है जहां तक हमारा पहुंचने का ओहदा होता है। अगर हमारा सकारात्मक ओहदा होता है तो समाज उसकी वाह वाह करता है, अगर वो नकारात्मक ओहदा होता है, पूरा हम नकारात्मक काम भी करते हैं, उससे हमें समाज गाली देता है। काम एक ही होता है, एक ही काम से शांति और एक ही काम से क्रांति। दोस्तों उपाय क्यों किए जाते हैं ये समझिए। अगर किसी कारण से हमारे परिवार में किसी के शुगर की बीमारी है और हम टाइम से उसके शुगर से संबंधित सारे कार्य करने शुरू कर दें, एक्सरसाइज, घूमना फिरना, समय पर दवाई लेना, तो हमें शुगर की परेशानियां महसूस नहीं होंगी। और यदि हम उनका पालन नहीं करेंगे तो वो समस्याएं हमारी एक दिन मौत का कारण बन जाएंगी और वो हमारे को परेशानी परेशानी करती चली जाएंगी।
जैसे अभी हमने बताया किसी की एक टांग कटी है, वो टांग वापस तो नहीं आ सकती, संसार की कोई ताकत नहीं दे सकता, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल टांग लगा के उसकी क्षणिक पूर्ति कर सकता है। एक व्यक्ति के एक्सीडेंट हो जाता है, मरने की अवस्था हो सकती है, मरना जीना तो सब ईश्वर के हाथ है, यश अपयश लाभ हानि जन्म मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसे बचाने का प्रयास करना तो हमारे हाथ में है। प्रयास करना ही एक उपाय है। उपाय क्या है? एक ज्ञान है, एक ज्योति है, जिस ज्ञान के जब हम उपाय करते हैं तो हमारे अंदर एक ज्ञान जागता है, ज्ञान के द्वारा हम कई कई रास्ते अपनाते हैं, पता नहीं कौन सा रास्ता हमारे काम को सही कर देता है, ये इसे उपाय बोलते हैं। दोस्तों इसे आप अच्छे ढंग से अपनाएं तो जीवन में सफल जाओगे। जैसे कुछ जो कुछ होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने जरूरी नंबर को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि जरूरी नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो कई कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने जरूरी नंबर को चेंज करके अपने भाग्य को साथ पाया। दोस्तों यदि आपके पास, मैं अभी नंबरों की चर्चा करता हूँ, इस प्रकार जब जरूरी नंबर, जैसे ऋतिक रोशन, उन्होंने अपना नाम बदला और वो बहुत महान बने, काजोल, ऐसे मेरे पास कई नाम हैं जिन्होंने अपना नाम बदल के, परिस्थिति बदल के। दोस्तों अगर आप पे राहु का वास है, आप नशा करते हैं, अगर आप नशा करना बंद कर देंगे तो आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी, तो आप सही निर्णय करके आप अपने को ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। आपका जो डिसीजन होगा फाइनल होगा और सही होगा। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, इस प्रकार जब हम जरूरी नंबर चेंज करते हैं तो उनके डेट ऑफ बर्थ की चेक किया जाता है, उनकी डेस्टिनी कैसी है। यदि उनकी डेस्टिनी मित्र की है और शत्रु की है तो हम अपना नाम बदल के उसे ठीक कर सकते हैं। यदि किसी के पास एक से लेकर 9 नंबर तक गलत हैं और उनमें से किसकी कौन सा रेमेडी करनी है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ। उनको जरूरी नंबर चेंज किया जाता है। मैं ये भी जानता हूँ जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसे तो कोई बदल ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं बदल सकता, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उन्हें हम ठीक करने का प्रयास करके उसका जीवन को ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, किसी की टांग कट गई, टांग तो कोई भी नहीं जोड़ सकता, लेकिन आर्टिफिशियल टांग लगा के वो अपना काम चलाने का काम कर सकता है। इसी तरह इन बातों को समझें, ज्योतिष की अज्ञानता में ना घुसें, ज्योतिषी को जादूगरी ना समझें, ज्योतिष को एक कर्म करने की एक प्रथा समझें, एक अच्छा कर्म करके आप आदमी अपने जीवन को सफल और उचित बनाने का प्रेरणा दे सकता है। इनके तथ्यों को समझ जाओगे तो आप ज्योतिष को जान जाओगे। कुछ लोग ज्योतिष को जादूगरी समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ज्योतिषी ज्ञान के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। नंबर एक जो उपाय के बारे में बताता हूँ, ज्योतिष भाग्य नहीं बदलेगी बल्कि कर्म का पथ बताता है कि सही कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक परामर्श ही आपका जीवन बदल सकता है। इन छोटी छोटी बातों को सुनो, जिसकी फिरत होती है बदलने की तो वह कभी किसी का नहीं होना चाहता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारी मेहनत है और जीवन में सबसे अच्छा साथी हमारी आत्मविश्वास है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे को उठाते हैं, लोगों को नहीं उठाते। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश नहीं होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं। उपाय रेमेडी बताता हूँ। अंक एक, अगर अंक एक खराब हो जाता है, सूर्य का अंक होता है एक, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य की ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करना है। जैसे जैसे सूर्य की ऊर्जा हमारे करीब आती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारी सारी व्यवस्थाओं का समाधान ठीक होता जाएगा। विटामिन डी की पूर्ति होते ही हमारे शरीर में पनपने वाली बीमारी भी अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सूर्य की उपासना करें, स्थापित करें, मंगल शनि ग्रह भी इससे ठीक होगा। शनि की उपासना करें, तिल का तेल चढ़ाएं, उत्तर दिशा में वाटरफॉल की तस्वीर लगाएं, 5 मुखदेव रुद्राक्ष की माला पहने, हरे रंग का पर्दा लगाएं और लाल मोती पहने, हर महीने इसे बदलें, उतारी हुई मौली जब गंगा जल में प्रभावित कर दें। नंबर एक, राउंड स्पेस में एक कॉपर का कॉइन अपनी जेब में डाल लें,
सूर्य की जैसे उड़ जाएगी वो हमारे साथ जाएगी, हमारे लक्की होगा। रविवार के दिन केसर का तिलक लगाएं और सूर्य नमस्कार करें, तांबे के लोटे में सूर्य को जल दें, गुड़ खाएं और पानी में बहाएं। नंबर दो, चंद्रमा जो मन का कार फीलिंग है, नंबर दो चंद्रमा माना जाता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल प्लैनेट माना जाता है, ये बहुत ही शीतल ग्रह माना जाता है। नंबर दो वाले लोग सोमवार के दिन दूध नहाते समय पानी में डालें, चंद्रमा के प्रभाव बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब भी कभी पानी पिए, चांदी के गिलास में पिए, अपने माता की सेवा करें, रात को कांच के गिलास में पानी भर कर रखें, सुबह उसे पिए और रात को पानी रखें और किसी कांटेदार वृक्ष में डाल दें। और बताता हूँ, सिपिटक की माला पहने, घर से हरियाली हटाएं, भगवान शिव जी की पूजा करें, अभिषेक करें, अग्निकोण दक्षिण पूर्व का वास्तु दोष दूर करें, ब्रेसलेट पहने, पृथ्वी तत्व के लिए अर्थ फैक्टर को सपोर्ट लेना है, हरे रंग का ब्रेसलेट पहने, ठीक है। नंबर तीन, गुरु, तीन नंबर गुरु का नंबर माना जाता है, इसे ज्ञान देने वाला ग्रह माना गया है। नंबर तीन वाले लोग बृहस्पतिवार को अपने टीचर को पीले वस्त्र का दान दें, ब्राह्मण को मंदिर में टीचर को गुरु को बुजुर्गों को दान करें, केसर का तिलक लगाएं, हाथ में पीला धागा बांधे, चने की दाल बहते पानी में बहाएं, दाल हल्दी केले मंदिर में चढ़ाएं, केले के पेड़ पर पूजा करें, जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को चढ़ाएं, सत्यनारायण की कथा करवाएं। हम लोग आज भूल गए, पहले पुराने समय में पूर्णवासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा घर घर होती थी। इसके पीछे यही होता था कि बृहस्पति ग्रह को ठीक किया जाता था। जब बृहस्पति ग्रह ठीक हो जाता था तो हमारे जीवन में बहुत सरलता हो जाती है। अगर महिला का बृहस्पति ठीक है तो उसका पति ठीक होगा, और अगर पति का बृहस्पति ठीक है तो उसकी संतान ठीक होगी। शब्दों को समझो, हरे रंग का इस्तेमाल करें, सूर्य यंत्र स्थापित करें, पांच मुखी रुद्राक्षी माला पहने, हरे रंग का पर्दा पूर्व दिशा में लगाएं, इसके घर के पोल की दीवार पर फाल्ट होगा, विंड चैन लाइट ग्रीन इमेज लगाएं, लीवर की समस्या, पित्त की थैली की समस्या, तुलसी माला कंठी पहने, मांस मछली ना खाएं, माचिस की डिब्बी जेब में रखें। या देखिए, तीन नंबर वुड एलिमेंट होता है, वुड जैसे पेड़ भरता है प्रतिदिन, ऐसे ही तीन नंबर जिसका पास नहीं होता उसकी प्रोग्रेस में बाधा आ जाती है, और तीन नंबर की एनर्जी ठीक करके हम उस बाधा को ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, हमें ये प्रयास करना है। नंबर चार, जिस का राहु, ये चार नंबर राहु का होता है, चार नंबर वाला राहु एक ऐसा ग्रह है जो सब कुछ अचानक देता है, ज्ञान है अचानक देता है, चाहे वो नुकसान हो चाहे वो फायदा हो। चार नंबर वाले गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, दूध में भिगो कर कुत्ते को रोटी खिलाएं, किसी भी वस्तु को अपने ऊपर वाली साइड जैसे पेन का कवर, मूर्ति का शुभ टूटा हुआ ना रखें, तामसिक भोजन ना करें, नशा करने से बचें, घर की साउथ वेस्ट दिशा में जो में कुछ दाने ब्लैक कलर के पोटली में रखें। देखो, राहु एक थी, धुएं में से धुएं कुछ झाँक ले उसे राहु कहते हैं, तो इसका थोड़ा सा हम उपाय करेंगे, रेमेडी करेंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। चार नंबर जब हमारा कोई मिस होता है तो साउथ ईस्ट में ग्रीन ट्री लगाएं, येलो कलर लगाएं, पूर्व दिशा में ग्रीन प्लैनेट लगाएं, साउथ ईस्ट में लाल रंग के घोड़े, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा रखें, फेस पाउडर पर रंग लगाएं, सुगंधित वस्तु रखें, मांस मछली ना खाएं, रुद्राक्ष की माला पहने, तुलसी माला कच्ची पहने, माचिस के डिब्बे। चार नंबर भी वुड एलिमेंट है, अगर चार नंबर आपका खराब है, आप अक्सर ये कहते मिलते हैं कि हमारे आमदन तो बहुत है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाती है, खर्चे आमदन से ज़्यादा होते हैं, पैसा नहीं रुक पाता, धन नहीं रुकता, सेविंग नहीं हो पाती, ये क्या समस्या है? ये चार नंबर जब मिस होता है तो आप चार नंबर की रेमेडी करें, आप देखेंगे कि जीवन में आप कितने सफल हो रहे हैं। पाँच नंबर बुध, यानी बुध द्वारा ना कोई व्यापार किया जाता है, नंबर पाँच का बैलेंस का नंबर माना जाता है। पाँच नंबर वाले जन्मजात गुण से एक व्यापारी गुण के व्यक्ति होते हैं, किसी कारण से पाँच नंबर मिस हो जाता है, उसका पेट खराब हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, ब्रह्म स्थान खराब हो जाता है, अगर किसी नारी का हो तो उसकी संतान खंडित हो जाती है। या हरे रंग की चीज़ों को यूज़ करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की पूजा करें,
जहाँ आप बैठे हैं वहाँ एक हरे रंग का पेड़ रखे, उसे खुद से पानी दे। देखो पांच नंबर बुध का है और कितनी ही रेमेडी हम बताते हैं, जितना पालन करते चले जाएंगे उतने ही महान मंदिर। कुछ स्थानों में वास्तु ठीक करवाएं, ब्रह्म स्थान में पिलर ना हो, हरी टी शर्ट पहने, साड़ी पहने, हरी सब्जी गाय को खिलाएं, हरे रंग का ब्रेसलेट पहने, अर्थ एलिमेंट को लिए अर्थ फैक्टर को सपोर्ट ले, धरती से निकले चीजें आलू गाय को खिलाएं। मैंने पांच नंबर का दोस्तों बताया, पांच नंबर मिस होने से कंफ्यूज हमारी नस नाड़ी के रोग भी पांच नंबर से देखे जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दो, ज्ञान दो, आप वास्तव में महान बन जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, छः नंबर वीनस, शुक्र की जब हम बात करते हैं तो दैत्य गुरु की जो भी चाहिए, पर बहुत से तरीकों से देखिए और सीखिए। वीनस वाले एक छोटी परफ्यूम की बोतल अपने पास रखें या साउथ ईस्ट में रखें, स्त्री का सम्मान करें, एक ही रिलेशन में रहें, सफ़ेद वस्तु दान में दें, दूध दही से नहाएं, साउथ वेस्ट दिशा और बेडरूम को साफ रखें, अंगूठे में चांदी का छल्ला या रिंग पहने। ये दोस्तों शुक्र क्या होता है, शुक्र सफ़ेद चीज का कारक होता है, ओपल की अंगूठी पहने, ठीक है, और आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी, मिलेगी निश्चित मिलेगी। एक्शन के लिए नॉर्थ को मजबूत करें, साउंड एनर्जी बैंड लगाएं, धातु तत्व का उपयोग करें, गोल्डन कलर की चैन वाली घड़ी, खुशबूदार अगरबत्ती, इस सफ़ेद घड़ी पेट करें, लेदर लोहे की वॉच ना पहने, गोल्डन वॉच पहने और वॉच पहने घर। देखिए छः नंबर जिनका मिस होता है वो वॉच नहीं पहनते, अगर वो गोल्डन कलर की वॉच पहनेंगे तो उनका मदद मिलेगी, ऐसे व्यक्तियों को सहयोग में कमी हो जाती है। सात नंबर, आप इस तरह से उपाय करते रहें दोस्तों, आप बहुत महानता की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, मेरा मानना है। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की कमी नहीं। देख के चलो दोस्तों, सात नंबर केतु, जिनका सात नंबर होता है रिसर्च के दायरे में आते हैं वाले व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, इनकी खोज कभी पूरी नहीं होती। घर में खराब तारे ना रखें, सात नंबर वाले अपनी इच्छाओं को एक डायरी में जो भी लाइफ में वो चाहते हैं उसे लिखना शुरू करें, सिल्वर मेटल धारण करें, वेस्ट दिशा में दोष होता है, फैमिली की मदद के लिए होता है, वेस्ट में चांदी की तस्वीर लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे सात नंबर वाले तो होंगे एक चांदी की चैन में सात नंबर का लॉकेट डाल के अपने गले में डालें, पश्चिम दिशा में दोष है तो पश्चिम दिशा में बैटरी इन्वर्टर नहीं होना चाहिए, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं, ठीक है, ऑपरेशन जरूर होगा, सावधानी अनिवार्य है, गोल्डन कलर की चैन वाली घड़ी पहने, सिल्वर वॉच पहने, कॉपर की पहने और ब्लैक स्टेप वॉच ना पहने। आठ नंबर शनि का नंबर है, शनि शनि जो चले उसे कहते हैं शनिचर, आठ नंबर शनि का नंबर है, कार्मिक नंबर है, जो ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है, सूर्य और शनि पिता पुत्र फिर भी इनकी आपस में नहीं बनती है। देखिए पिता पुत्र है फिर भी नहीं बनती, आपके आसपास जो सेवादार है चाहे वो आपके ड्राइवर हो या प्यून हो या आपका सर्वेंट, उसकी सेवा में लगा है वो शनि है। आप जो भी अर्न करें उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा अगर आप उन्हें देंगे तो शनि आपकी तरफ से अच्छा हो जाएगा। काली चीज़ों को दान करें, शनि या शिव भगवान की उपासना करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उत्तर पूर्व में एक पानी से भरा कलश रखें, योग या प्रणाम भी करें। मैं बताता जा रहा हूँ दोस्तों, शनि के बहुत उपाय हैं, गरीबों की मजदूरों की सेवा करना, शनि के उपाय करेंगे, शनि मंत्रों की माला का जाप करें, मेहनत करें तभी फिर मिलेगा। आप जिम में भी जा सकते हैं, पूर्व व उत्तर ईस्ट व नॉर्थ व्यवस्था ठीक करें, ईशान कोण ठीक करें, साउथ मेज में येलो कलर के फ्लावर रखें, गरीब अपाहिज हैंडीकैप लोगों की सहायता करें, 10 अंधों को खाना खिलाएं, इन्हें दान दें, आँखों से पीड़ित हो दवाई का दान करें, ग्रोथ बढ़ने के लिए जूते चप्पल दान दें, नीले रंग का रुमाल रखें, शरीर से पसीना निकालें तभी आठ नंबर एक्शन में होगा, धरती से निकली सब्जी आलू गाय को खिलाएं, ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहने। अब नौ के अंक, नौ नंबर किसका है, मंगल का, नौ नंबर यानी मंगल का नंबर है, एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको ऐसे चीज़ कराता है आपकी रसोई साफ नहीं रहती,
आपको अगर मंगल खराब है, आपकी रसोई को साफ नहीं रखते, आप अपने रसोई को साफ रखो। अगर कैंची में जंग लगा हुआ है तो यह सब ठीक हो है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं ठीक नहीं हैं तो आप उसे जंग हटाओ। अब मंगलवार के दिन अपने हाथ में मौली बढ़ाएं चढ़ाएं बंधवाएं। अगर छोटा भाई बहन नहीं है तो मंदिर में जाकर दहिना कलाई पर मौली बंधवाएं। लाल रंग की वस्तु रखें, बल्ब लगाएं, लाल मसूर की दाल मंदिर में दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, अधिक नींद ना लें, गाय को गुड़ और रोटी खिलवाएं, मंगलवार के दिन जरूर खिलवाएं, सुबह की सैर करें, प्राणायाम का अभ्यास करें। दोस्तों, मंगल में हनुमान चालीसा का ध्यान करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बड़ों की सेवा करें, मेहनत करें और गरीब आदमियों की मदद करें, ये भी कार्य करें। हनुमान जी की पूजा लाल रंग का इस्तेमाल करें, लाल मौली पहने, चींटियों को आटा डालें। दोस्तों, मैं इन बातों के करने के साथ साथ मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करता हूं, यदि आपको मेरी क्लास में एडमिशन लेना है, कंसल्टेंसी करवानी है, 1100 रुपये में कुछ नहीं बिगड़ता। दोस्तों, मेरा मकसद 1100 रुपये इसलिए है कि ये व्यवस्था जन जन तक पहुंच जाए। लोग बहुत बहुत पैसे लेते हैं, समस्या हल हो या ना हो, मैं 1100 रुपये लेकर उसके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करने की इच्छा रखता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें और संपर्क करें, हो सकता है कि आपकी एक बात, एक ही कार्य आपका जीवन सफल कर दे और आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों को मैं सबको नमस्कार करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। तो मैं सबका नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।